नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। वन अधिकारी करमबीर मलिक ने बताया कि वन विभाग की नर्सरी में 1,63,888 पौधे तैयार किए गए हैं, जिसमें फलदार व छायादार पौधे शामिल हैं। फलदार पौधों में जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, इमली शामिल है। छायादार पौधों में पिलखन, बड़, पीपल, शीशम, बादाम, पापड़ी, नीम व कनक, चंपा और गुलमोहर शामिल है। पौधागिरी कार्यक्रम के तहत पलवल में 96,000 बच्चों को पौधे वितरित किए जाएंगे। पौधे की देखभाल करने के लिए स्कूली बच्चों को 100 रुपए एक साल में प्रोत्साहन राशि भेंट की जाएगी। उन्होंने बताया कि वन विभाग से पौधे लेने के लिए स्कूल के हेडमास्टर को लेटर हेड पर बच्चों की संख्या वे पौधे लेने की मांग करनी होगी। वन विभाग बच्चों की संख्या के अनुसार पौधे प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि गत वर्ष भी जिले में लाखों पौधे लगाए गए हैं। इस वर्ष भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर घर हरियाली के तहत घर घर में पौधारोपण करने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाने पर ही बारिश होती है, पर्यावरण स्वच्छ रहता है। हमने जो यहाँ सरकार की तरफ से जो टारगेट मिला है उसमें 8,125 पौधे लगे, उसमें कैंपा स्कीम और स्टेट स्कीम दोनों है। एक जो नर्सरी की बात है उसमें हमने यहाँ अपने पास 1,63,888 पौधे तैयार किए जी। मैं लगभग DO साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया 97,000 बच्चे हमारे पलवल जिले के जो 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के, तो उसमें हम 97,000 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पौधा देंगे जी। और उसके लिए जो माननीय सरकार हमारी जो है उन्होंने मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक घोषणा कर रखी है कि जो बच्चा पौधे की देखभाल अच्छे से करेगा उसको पाले पोसेगा उसको 50 रुपए 6 महीने एक साल में उसको 100 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया जाएगा। अपील करना चाहूंगा जी लोगों से ज्यादा उसके पौधे लगाएं, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण संतुलन है वो खराब होता जा रहा है। और जिससे अब आप देख रहे क्लाइमेट चेंज का जो रिजल्ट है ये है कि बारिश जहाँ होती है वो पहले झड़ी लगती थी, जो चारों तरफ बूंदाबांदी होती थी, बारिश होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं होता जी। अब एक पर्टिकुलर लाइन बन जाती है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी और उसी में बारिश होती है और दोनों तरफ सूखा रहता है, ये क्लाइमेट चेंज कर रहा है। तो इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा जी कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।